जैसे कि थंबनेल देख के आप लोग एज्यूम कर सकते हैं ये प्लान जीसस के टाइम में रहा होगा। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लांट इंटरेस्ट। तो ऐसा माना जाता है कि एट द टाइम ऑफ जीसस क्रूसिफिकेशन जो कांटों का ताज जीसस को पहनाया था या जो क्राउन ऑफ थॉर्न जीसस को पहनाया था तो इस प्लांट का यूज हुआ था, इसलिए इस प्लांट को हम लोग क्राउन ऑफ थॉर्न्स या क्राइस्ट थॉर्न के नाम से जानते हैं। ये है यूफोर्बिया मिली का प्लांट जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और बहुत लोग इसको लगाना नहीं चाहते क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, लेकिन इसका एक अलग एस्थेटिक है। ये कांटों के साथ फूल भी देता है जो कि दिखने में अच्छा लगता है और ये वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट है। और इसकी एक और एक खासियत है कि अकॉर्डिंग टू हु ये एक पेस्ट रिपेलेंट प्लांट है। ऊपर आई बटन में एक वीडियो पॉपअप हो रहा होगा, उसके बारे में बताऊंगा आगे वीडियो में। उसमें मैं बताया था जब भी इस प्लांट को आप हैंडल करें तो ग्लोव्स पहना करें, लेकिन अगर आप सच में गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो आपको बेयर हैंड के साथ काम करना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और हम लोग का ब्रेन एक ऐसा चीज़ है, ये देखिए एक कांटे वाला प्लांट है, जहाँ जहाँ कांटा नहीं है हमारा जो हाथ है खुद ब खुद वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर आप नहीं भी देखेंगे फिर भी आप देखिएगा आपका हाथ जहाँ कांटा नहीं है वहाँ तक पहुँचता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप सीखना चाहते हैं गार्डनिंग तो ये सब एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि इसी तरह से मैं गार्डनिंग का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता रहूं। लेकिन एक बात है, ये प्लांट थोड़ा टॉक्सिक है। इसके अंदर एक सैप निकलता है वाइट कलर का, मिल्की सैप, जो कि किसी किसी को इरिटेशन कर सकता है, इसलिए आप देख लीजिए खुद। और गार्डनिंग का तो यही मज़ा है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो क्या सीखेंगे। तो पहले आप लोगों को मैं प्रोपोगेशन की ही बात करूं, और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप एक बार लगा के तो देखिए, आप अपना आलस को अंगराई लेके एक बार लगा के तो देखिए इस कांटे वाले प्लांट को, आपका हाथ कहाँ तक जाता है, थॉर्न में लगता है कि नहीं। और इससे पहले जो मैं जिक्र किया था उस वीडियो के बारे में, तो पहले जब मैं इसको लाया था ये पूरा क्ले सॉइल में था और इसको मैं सिर्फ एक बार ही रिपोर्टिंग किया हूँ अब तक। और आजकल तो नर्सरी वाला थोड़ा ठीक हो गया है, मतलब किस प्लांट को किस सॉइल में डालना है वो सीख गया है, लेकिन पहले जो मेरे पास आया था वो पूरा क्ले सॉइल में था तो मजबूरन मुझको हटाना पड़ा। लेकिन आप लोग रूट बॉल इस प्लांट के बारे में पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, इसका जो रूट स्ट्रक्चर होता है थोड़ा फाइब्रस टाइप का होता है, थोड़ा छूने से ही वो मतलब डेलिकेट होता है तो टूटने का चांस रहता है, इसलिए आप इस प्लांट को रूट बॉल के साथ एक्सपेरिमेंट मत करें। बाकी प्लांट के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैं बताया हूँ। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। बहुत लोग बोलते हैं रूट बॉल के साथ छेड़छाड़ मत करो, लेकिन मैं कहता हूँ आप लोग सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए, रूट बॉल को थोड़ा छेड़छाड़ कीजिए कैसा क्या करना है। लेकिन इस प्लांट को पर्टिकुलरली आप मत छेड़िए क्योंकि इसका रूट थोड़ा फाइब्रस होता है। अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो इसको हम लोग आसानी से स्टेम कटिंग थ्रू से प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसको हम लोग वाटर प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेम कटिंग थ्रू से ज़्यादा प्रेफरेबल है। जब भी आप इसके स्टेम को काटते हैं तो एक मिल्की सैप निकलता है वाइट कलर का, तो उसको आप लोग सुखाइए। सुखाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको धूप में रख दीजिए, उसका मॉइस्चर जो लेवल होता है वो इनटेक रहना चाहिए, नहीं तो आपको वो दिक्कत करेगा फिर रूटिंग करने में, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। इसलिए आप उसको ऐसा जगह पे रखिए जहाँ मॉइस्चर थोड़ा अच्छी तरह से रहे। और ये जो मैं कटिंग लिया हुआ एकदम रूट लेवल के पास में, जहाँ से रूट भी मेरे को एक दो मिला है, तो ये आसानी से ग्रो कर सकता है और इससे ज़्यादा मिल्की सैप भी नहीं निकला है। आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर सनलाइट की बात करें तो इस प्लांट को मैं हमेशा बाहर ही रख देता हूँ, इसको सनलाइट भी जिस तरह से मिलता है उसी तरह से वाटरिंग भी इसको मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपका सॉइल अच्छा है तो वाटर भी प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे कि एक सकुलेंट प्लांट है, इसको ज़्यादा वाटर पसंद नहीं है, लेकिन इसको मैं आउटडोर ही रख देता हूँ। इस दिन बहुत बारिश भी पड़ रहा है लेकिन मेरे प्लांट को कुछ भी नहीं हुआ है, उल्टा ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ ले रहा है। और इसका ऊपर का स्टेम ज़्यादा इलोंगेट हो गया था, इसलिए एक शॉर्ट्स में आप लोगों को दिखाया था उसको मैं काटा था,
ये फुल सनलाइट का ही प्लांट है और आप इसको फुल सनलाइट में ही रखिए। ये ओरिजिनली मादागास्कर से है, नेटिव टू मादागास्कर। चाहे तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता था, लेकिन ये धूप में पड़ा होने के कारण इसका मिट्टी देखिए कितना हार्ड हो गया है। लेकिन ये तो मिट्टी वेल ड्रेन है, तो आप इस तरह से मिट्टी बनाने के लिए आप क्या करें, एक भाग सैंड ले लें, एक भाग कोई सा भी कंपोस्ट ले लें और एक भाग गार्डन सॉइल। और आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ सैंड में भी लगा सकते हैं। और किसी के पास तो कुछ भी नहीं होगा, नया नया गार्डनिंग शुरू किया है, तो वो लोग सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं। सिर्फ मिट्टी में ये दिक्कत होता है कि वो थोड़ा मिट्टी गीला गीला हो जाएगा। और वाटरिंग की बात करें, और जैसे कि पहले आप लोगों को बताया हूँ, अगर आपका सॉइल अच्छा है तो वाटर भी प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन ये एक सकुलेंट प्लांट है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, ये सूखे में भी बहुत दिन सर्वाइव कर लेगा। लेकिन इसको ओवर वाटरिंग होना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत नॉलेज हो गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट ले लीजिए और एक कहानी सुन लीजिए। एक बार कांटे और फूल में बहस हो गई। कांटे ने फूल से कहा, ऊपर वाला ने तुम्हें कितना व्यर्थ बनाया, थोड़ी सी ठंड पड़ जाए या थोड़ी सी गर्मी पड़ जाए तुम मुरझा जाते हो, पल भर की तो जिंदगी है तुम्हारी, बड़ा तरस आता है तुम पर। और एक तरफ मुझे देखो, मैंने तुम्हारी कई पीढ़ियों को खिलते और मुरझाते हुए देखा है, वो चली गई, मैं आज भी वही हूँ। मुझे तो कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे जो भी छूता है मैं उसे काट खाता। इस पर फूल कहता है, मैं जीने मरने का टेंशन नहीं करता, मेरा जीवन का उद्देश्य उत्सर्ग है। देखो मैं चाहता हूँ भले मैं पल भर की जिंदगी जीऊँ, पर किसी को खुशी दे के जीऊँ। ऐसा जिंदगी जीने का क्या फायदा जो लंबी तो हो लेकिन दुख देने वाली हो। ये बात सुन के कांटे को बहुत पश्चाताप हुआ, उसने तभी से अपनी जिंदगी फूलों की सुरक्षा में समर्पित। तो हमें भी ये सीख लेना है, हमारे लिए तो किसी के आंख में आंसू हो, पर हमारी वजह से किसी के आंख से आंसू नहीं होने चाहिए। आपको शुरू में बताया था, अकॉर्डिंग टू हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पेस्ट रिपेलेंट प्लांट है। जितना भी स्नेल छोटा बड़ा पेस्ट है तो ये रिपेल करता है। अगर आपके वहाँ पे भी ये लगाने से पेस्ट नहीं आता है, स्नेल जो होता है वो इसके पास नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज के लिए वीडियो ख़त्म दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह से मैं गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता रहूँ। अगली बार किसी और एक वीडियो के साथ आप लोग से मिलूंगा। तब तक के लिए डू गार्डनिंग, मेक यूज ऑफ एवरीथिंग, रिड्यूस रियूज रिसाइकल एंड कीप एक्सपेरिमेंट।